नमस्कार, मैं अनूप दत्ता, न्यूज संघर्ष आज तक। दोस्तों, ये जो दुकान है देखिए सामने, ये आपकी अभी फिलहाल ये ब्रेकिंग न्यूज है। और क्या हुआ है इस दुकान के साथ में, टाइम प्रोफेशनल कस्टम टेलरिंग। और यहाँ लड़कियाँ जो हैं, आपने देखा होगा बंगाली क्लब, ये पोस्ट ऑफिस ठीक सामने पोस्ट ऑफिस है, ये पोस्ट ऑफिस के ठीक ऑपोजिट, और ये गुरुद्वारा लाइन का रास्ता यहाँ से जाता है, और ये टेलर दुकान। और यहाँ पे सामान देखिए बाहर पड़ी हुई है, शटर बंद है, और इनके सामान मशीन जो बाहर या उठा करके फेंक दिया गया है। जानेंगे, चलिए यहाँ जो बच्चियाँ लड़कियाँ जो इस दुकान को चलाती थी उनसे जानेंगे ये घटना हुआ क्या। अपना नाम बताइए। ये दुकान आपका था जी, आप मेरा जी। मैं फोर्स के जैसे 8 बजे दुकान क्लोज कर रही थी, लाउडली मैं दुकान क्लोज करके रात को 8 बजे गई थी जी। देन सुबह 5 बजे मुझको कॉल आया, एक ऑटो वाले ने कॉल किया कि आपका दुकान का जो सामान है, मशीन है, सब टूटा फूटा हालत में बाहर पड़ा हुआ है, फेंका पड़ा हुआ है। देन मैं भागते हुए यहाँ पे आई और मैंने देखा कि सच में यहाँ पे ऐसा स्टॉक सब बाहर फेंका हुआ है, कस्टमर के कपड़े जो भी है सब बाहर, बारिश में भीग गए थे, ऑलमोस्ट खराब हो गए। ये दुकान कितने साल से आप चला रही थी जी? 6 साल से चला रही हूँ, 2019 से है मेरे पास जी। मैंने लोन लेके इसको ओपन किया था जी, और मेरे को पीएम योजना के थ्रू लोन मिला था, एमएसएमई जी। हमारे जो लैंडलॉर्ड है जी, उन्होंने बहुत परेशान करके रखा था हमें 3 महीने से। लैंडलॉर्ड उनका नाम क्या है? वी रवि। ओके। खाली करने के लिए बोले थे, बट हम बोले कि हमारा जो अमाउंट है, एस्टिमेशन अमाउंट है, वो आप हमें दे दीजिए, हम खाली कर देंगे। बट उन्होंने क्या किया, जाके पुलिस स्टेशन में उल्टा कंप्लेंट कर दिया। अच्छा। कि हम उनको धमकी दे रहे हैं। अच्छा। ये प्रोसीजर चला, फिर हम भी परेशान हो गए, हम गए लॉयर के पास, फिर हमने नोटिस दिया कि ये एक सिविल कोर्ट का मैटर है, प्लीज़ आप इन्वॉल्व मत होइए। देन उन्होंने भी बंद कर दिया। इनको भी एक नोटिस दिया गया था कि एक एस्टिमेशन अमाउंट है, ये आप दे दीजिए, हम खाली कर देंगे जो आप लोगों ने खर्चे किए हैं जी। तो, मतलब जो भी इंटीरियर है, जो भी डिजाइनिंग टाइल्स वगैरह वगैरह जो भी है जी। तो इन्होंने सख्त मना कर दिया जी, बोला हम नहीं देंगे। और उसके बाद एग्रीमेंट का समय समाप्त हो गया था क्या? समाप्त हो गया था सर, रेन्यू करने के लिए कहा गया था, उन्होंने रेन्यू नहीं किया जी। पता नहीं वो क्या मैटर है। हमने बोला कि ठीक है, आप हमारा अमाउंट दे दीजिए, हम खाली कर देंगे। कल 25 तारीख रात को 12 बजे या पता नहीं, मेरे को नहीं पता आसपास, क्योंकि सब खाली होने के बाद ही किया हुआ हरकत है। सीसीटीवी फुटेज भी है, चेक कर सकते हैं। सारा कपड़ा, कस्टमर के कपड़े, सब कॉस्टली कॉस्टली क्लोथ्स है, स्टॉक्स है, कम से कम 54 लाख के। इंटीरियर डेकोरेशन है, 4 लाख रुपीस अमाउंट रखा हुआ था कैश स्टोर में। एंड मशीन्स जो है सब तोड़ दिया गया है, कैश भी रखा गया है, कल दिया कैश भी रखा गया है, वो नहीं पता मेरे को, खोलेंगे तो पता चलेगा, अपना ताला डाल के चले गए। अब मैं कंप्लेन कर रही हूँ जाके स्टेशन में, तो वो बोल रहे हैं, जो भी रवि है वो बोल रहे हैं कि ताला हमने डाला है, स्टॉक जो है हमने बाहर करा है, फेंक दिया है हमने। अच्छा, वो खुद ही बोल रहे हैं कि ताला हमने डाला है और सामान भी हम ही लोगों ने बाहर कर दिया। सामान हमने फेंका है बोल रहे हैं। अच्छा, सामान आपने फेंका। मैं अपना सामान क्यों फेंकूंगी सर? हाँ, अपना सामान और अपने मशीन, कोई ऐसे थोड़ी रोड में फेंक देता है। वो भी रात को 12 बजे के बाद कोई एक लेडी आ सकती है कि फेंकने के लिए? बिल्कुल। हाँ, 8 बजे दुकान बंद करके गया सर जी। बंद करने के बाद हमको इतना ही मालूम सर, रात को 8 बजे पूजा करके साइड है ना सर, बंद करके गया, इतना ही। उसको सवेरे के अंदर मेरे कॉल आते तो मिशन सामान सब बाहर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो उसने क्या किया, वो फोन किया, ये तो मालूम। आपको दुकान खाली करने के लिए कोई प्रायर नोटिस वो दिया था? दिया गया सर, जबकि एग्रीमेंट में लिखा गया कि 1 महीने पहले, वो खाली कराने से 1 महीने पहले हमें लीगल नोटिस देंगे, बट वो उन्होंने कुछ नहीं किया, नहीं दिया, कोई नोटिस नहीं दिया। अब वो इल्जाम उल्टा लगा रहे हैं कि आप लोगों ने सामान बाहर फेंक दिया है और ताला उन्होंने लगा दिया। ताला उन्होंने लगाया। आप बताइए, इस केस में कहां से वो निकलेंगे? अगर हमने फेंका है एंड देन वो अपना ताला लगा के निकले हैं बोल रहे हैं ना, कहां से स्पेस है सर?
अगर हमने निकाला होगा तो हम अपना कपड़ा और मशीन हिफाजत से रखें, लाखों रुपया का खर्चा किया वाला सामान है हम फेंकेंगे, बारिश में भीगने के लिए छोड़ेंगे सर। ये देख सकते हैं जो इन्होंने कहा अभी, और जी ये जो है हाँ जी चाबी है, डेली मैं बोल रहा हूँ 6 बजे रात 8 बजे आप ही दुकान खोलते हैं? अच्छा रात को बंद करके गया चाबी मेरा पास, सवेरे का रहता है दुर्घटना है, क्या करेंगे, फोन बोला फोन ये वही किया वाला खाने से। बिल्कुल बिल्कुल, ये आप लोगों ने इनको सुना जो दुकान जिनका है, बच्ची ने भी ये बताया, और जो मास्टर है टेलर मास्टर जिनके हाथ में चाबी वो गुच्छा दिखा रहे हैं, जो आपने सुना इस दुकान को चलाने वाली वो बच्ची जिसने लोन ले रखा है प्रधानमंत्री रोजगार योजना इसके तहत MSME में, और आपको याद दिला दूं आपने देखा भी होगा कि ये एक नारी सशक्तिकरण का एक प्रमुख उदाहरण था ये दुकान। यहाँ पे 7 लड़कियां जो हैं लेडीज उनको रोजगार मिली हुई थी, वो काम करते थे, जो स्क्रीन पे देख रहे हैं वो लोग बैठे हुए हैं इस वक्त में हताश, मशीन वहां पे पड़ी हुई है, यहाँ पे मशीन इस तरीके से पड़ी हुई है, और चूल्हा जलता था 7 परिवार के। और सबसे बड़ी चीज जो आज जो लड़कियों को लड़की बच्चों को सशक्त बनाने के लिए और रोजगार के साधन उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध है हमारी सरकार, इस वक्त में सरकार किस तरीके से बेटियों को आगे बढ़ाया जाए इस मुहिम पे लगी हुई है। और यहाँ पे ये दुकान चल रहा था लाखों के, देखिए कॉस्टली सामान ये अब रोड पे ऐसे बिखरा पड़ा हुआ है, और सीधे ये इल्जाम लगाना कि उन्होंने खाली किया, क्या कोई बता सकता है कि कोई अपने लाखों के सामान जब दुकान खाली करेगा, कोई घर खाली करेगा, इस तरीके से बाहर शटर के बाहर ही फेंक देगा ऐसे सड़कों पे? अब ये बड़ा हास्यास्पद है, एक व्यक्ति जिसने भी ये किया है CCTV फुटेज को खंगालने के बाद में अगर पुलिस को ये मिल जाता है कि किस व्यक्ति द्वारा किया गया है और इसके मास्टरमाइंड कौन है, तो उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए। केवल ये एक भाड़े की दुकान केवल मात्र नहीं था, ये लड़की जो लड़की बच्ची हैं लड़कियां हैं उनका परिवार उनका घर चलता था इससे, और इनका कहना है कि कोई प्रायर लीगल नोटिस सर्व नहीं किया गया जो अकॉर्डिंग टू इनके एग्रीमेंट के हिसाब से था, वर्बली आकर के इनको बोलकर गए थे कि खाली करो, और उसके बाद क्या ये तरीका हो सकता है? और इन्होंने ये भी नहीं कहा इनके अनुसार कि हम खाली नहीं करेंगे, हम जरूर खाली करेंगे, लेकिन जो खर्चा हम लोगों ने किया है दुकान को सजाने में और तमाम जो खर्चे हुए हैं वो उसकी भरपाई उसका कैलकुलेशन करके उनको दे दिया जाए, वो खाली करके चले जाएंगे, ये बात बता रहे हैं वो। और बावजूद इसके उन्होंने ये दुकान को रात को जो इल्ज़ाम लग रहा है इस वक्त में, रात को ताला तोड़ करके सामान को बाहर डाल करके एक नया ताला लगा दिया जाता है, और इस वक्त व्यक्ति जो है इस वक्त वो व्यक्ति थाने में बैठा हुआ है और वहाँ तफ्तीश चल रही है। और हम गुजारिश करेंगे इस वक्त में कि अगर वायलेट हुआ है, ये कानून का उल्लंघन हुआ है, तो फिर इन बच्चियों को ताला खोल करके उनके सामान फिर से भीतर रखने की इजाज़त दी जाए, और ये सुनिश्चित करें हमारे थाने से पुलिस अधिकारी से हमारी विनती रहेगी कि ये सुनिश्चित करे कि किसी का रोजगार नहीं छीनना चाहिए, और खासकर हमारे देश में जो लड़कियां हैं जो बच्चियां हैं जो अपने पैरों में खड़े होना चाहती है, और ये हमारे समाज में एक उदाहरण पेश करती है, इनके साथ अन्याय ना हो।
और सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और ये इनका कहना भी है कि जब तक कोई सुराह नहीं होता है, कोई ठोस फैसला नहीं लिया जाता और हमें भीतर फिर से सामान को रखा नहीं जाता है, हम यहाँ से नहीं जाएंगे और ना ही हम ये सामान को हटाएंगे। तो अब हमारी गुजारिश रहेगी कि ऐसे अमूमन बहुत सारे क्षेत्र है जहाँ पे ऐसी घटनाएं घटती है, इस पे अंकुश लगाया जाए और इन बच्चियों को न्याय दिलाया जाए। ये बच्चियाँ आप सोचिए अब ये लोन का भुगतान कैसे करेंगी, इन्होंने लोन ले रखा है और लोन से ये दुकान चलती है और जो कमाई होता है उससे लोन का पैसा भी बांधा जाता है, इनका परिवार, इन बच्चियों का परिवार भी चलता है। अब देखना ये होगा कि अब पुलिस इस पे क्या कार्रवाई करती है और क्या नतीजा निकल के आता है। हम ताज़ा अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम फिर मिलेंगे इसके ताज़ा अपडेट के साथ में कि इस पे कार्रवाई ठोस क्या हो पाई है। तब तक के लिए मैं अनुप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक।